सर काफी आर्य समाज के जो लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि हमें जब भी रामायण हम पढ़ते हैं तो हमें जो तुलसीदास जी के रामचरित्र मानस है हमें हो नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि वाल्मीकि की ही पढ़नी चाहिए। तुलसीदास जी की जो रामायण है या फिर जो रामचरित्र मानस है वो रामायण में एक उन्होंने मिलावट कर ली, ऐसा मानना है आर्य समाज के काफी लोगों का। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आर्य समाज, जो आर्य समाज है वो अपने आप में एक 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 थॉट प्रोसेस है, एक आइडिया है ना। वो मानते हैं कि वैदिक जो कल्चर था और जो वेदास हैं वही हमारे प्राइम सोर्स ऑफ सारी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, प्राइम सोर्स ऑफ हमारा रेफरेंस भी होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात में कोई ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट इसमें नहीं है कि वो ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। ऑथेंटिक सोर्स रामायण ही है, क्योंकि रामायण जो है ना ऑथर सरोगेट है, एज एन वाल्मीकि जी ने जब रामायण घटित हो रही थी उसी वक्त उन्होंने रामायण लिखी, ऐसा बताया जाता है, ऐसा पता है हमको। उसमें जो टाइम रेफरेंसेस भी हैं, सेलेस्टियल टाइम रेफरेंसेस भी हैं, वो मैच करते हैं जो हम जिस डेट को, जिस समय, जिस टाइम पीरियड के बारे में हम रामायण को मानते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि रामायण को ऑथेंटिक सोर्स माना जाना चाहिए। पर एक बहुत बड़ी डिबेट है उत्तर रामायण के बारे में, कि उत्तर रामायण जो है वो क्या ऑथेंटिक, ऐसा बोला जाता है कि उसको किसी भी कहानी के अंदर जब जब क्लाइमैक्स होता है, जिसमें एक क्लाइमैक्स के बाद में जब एवरीथिंग इज सेटल्ड डाउन, देन देर इज़ नो स्टोरी टू बी टोल्ड। बट ऐसा बोला जाता है कि उत्तर रामायण जो है ना बाद में ऐड की हुई है किसी के द्वारा। अब वो किसके द्वारा की गई, क्योंकि उसके जो इस तरह का लेखन भी है, जिस तरह के उसमें इवेंट्स भी हैं, वो भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिव हैं। तो चूंकि रामायण का भी एज सच कोई एक प्रति और सोर्स नहीं है, वो भी लोगों ने कंठस्थ करके उसको आगे बढ़ाया है, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर भी एनोमलीज हों। और एक स्टोरी के तौर पे भगवान राम के जन्म के बाद से और लंका दहन के बाद उनके घर पे वापस आने तक जो है, दीपावली का दिन जिस दिन वो वापस आ जाते हैं घर पे, सब सेटल हो जाता है उस वहाँ तक के बाद में, उस स्टोरी में एज सच कुछ नहीं होना चाहिए, उसे बचता नहीं कुछ कहने के लिए। तो पहला तो प्रॉब्लम ये है कि रामायण के बारे में एक क्वेश्चन है कि उत्तर रामायण एक्चुअली रामायण का पार्ट है कि नहीं है, कि वो ऐड किया गया। यहाँ तक कि ऐसा बोला जाता है कि जब रामायण, रामानंद सागर ने जो रामायण बनाई थी उसमें भी दूरदर्शन में कुछ लोग थे जिनके बारे में अमुक, उनके नाम, उनके जर्नलिस्ट हैं, उनके पेरेंट्स थे, ये फादर थे, फादर इन लॉ थे, उन लोगों ने जबरन उनके ऊपर प्रेशर डाल के उत्तर रामायण को बोला कि आपको इसको बनाना पड़ेगा। तो उसमें कई लोगों का इंटरेस्ट है, जैसे उसमें तीन चार एग्जाम्पल्स जो इवेंट्स हैं, जिसमें कि माता सीता का जो उनका अग्नि परीक्षा है, प्लस जो है उनका घर छोड़ के जाना है, शंभूक का वध है, इस तरह की बहुत सारी कॉन्फ्लिक्टिव चीज़ें हैं जो बताती हैं कि जिस जैसे लगता है कि वो एक पोर्शन है जो कि अननेसेसरीली ऐड किया गया है, ये इसके बारे में भी क्वेश्चन है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा, अब रामचरितमानस की आवश्यकता क्या पड़ी। रामचरितमानस जब तुलसीदास जी ने लिखी तो उस वक्त, उस समय लोगों को संस्कृत, चूंकि अरेबिक और फारसी और ये लैंग्वेजेस बहुत डोमिनेट कर रही थी, और एजुकेशन का स्तर बहुत गिर गया था क्योंकि गुरुकुल व्यवस्था टूट गई थी, और बहुत हद तक जो है ना आक्रांताओं ने ज़्यादातर ऐसी व्यवस्थाओं को तोड़ दिया था। तो एजुकेशन के नाम पे जो कुछ सेंटर्स थे सिर्फ वहाँ पे एजुकेशन थी, प्लस इसके अलावा और भी अनामलीज और भी बहुत सारी समस्याएँ समाज के अंदर आ गई थी। तो तुलसीदास जी ने रामायण, रामचरितमानस को इसलिए लिखा, और उन्होंने उसको इस भाषा में से लिखा, एक तो बोला जाता है कि उनको शंकर जी का, शिव जी का स्वयं उनको सपना आया था और उस सपने की बेस पे उन्होंने वो लिखा। दूसरा एक बहुत बड़ा रीज़न जो बताया जाता है और जो कहीं कहीं किताबों में मेंशन भी है, कि उस समय चूंकि संस्कृत निष्ठ, संस्कृत एक्चुअली संस्कृत या प्राकृत में लिखी हुई जो रामायण थी उसको पढ़ने के लिए लोग बहुत कम थे, यहाँ तक कि उस संस्कृत को समझने वाले लोग बहुत कम थे, पर अवधी एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज थी, दिल्ली सल्तनत से लेके बनारस तक, या आगे आने और भी आने बिहार तक, आगे तक भी जो है ना सबसे पॉपुलर मेजर पॉपुलेशन जहाँ पे मुगल कालीन वो सब चल रहा था, तो अवधी एक लैंग्वेज थी जो सबसे पॉपुलर थी, बहुत आसान थी समझने और लोग, लोकल लोग समझ पाते थे उसको। तो संस्कृत निष्ठ थी, संस्कृत से बहुत सारे शब्द आते थे,
हिंदी जो कॉमन लैंग्वेज बोली जाने वाली लैंग्वेज थी, तो इसलिए उन्होंने उसको लिखा, उनका बहुत विरोध भी हुआ। तो ऐसे ऐसे सारे बहुत सारे रेफरेंसेज हैं कि उनका तुलसीदास जी ने जब वो लिखा तो इनफैक्ट जो बनारस के पंडे थे या जो काशी विश्वनाथ मंदिर में जो बड़े अहदे पे लोग थे, उन्होंने बहुत विरोध किया इस बात का कि आप दूसरी रामायण नहीं लिख सकते। तो एक ऐसा संदर्भ आता है कि उन्होंने कहा कि हमको भगवान शिव का सपना आया था, उनके आदेश पे मैंने, क्या मैं संस्कृत में लिख सकता? अगर आप देखोगे जैसे जिस तरह से वो शुरू करते हैं रामायण को, रामचरितमानस को, उसमें बहुत जगह पे वो बहुत अच्छी संस्कृत लिखी है। मतलब इसका मतलब ये है कि संस्कृत का उनको बहुत अच्छा ज्ञान था। फिर वो अवधि पे आते हैं, वो अवधि पे इसलिए आते हैं क्योंकि ताकि वो रामचरितमानस है, वो रामायण कभी नहीं बोलते, वो कहते वो श्री रामचरितमानस है, राम भगवान राम के चरित्र का मानस है। तो वो कभी उन्होंने ये क्लेम नहीं किया कि रामायण है, उसको हम लोग रामायण मानते हैं। लेकिन क्योंकि आप जब रामायण को उठा के कभी भी आप ट्रांसलेटेड वर्जन अगर आप पढ़ो इसका और उसका, तो आपको लगभग ये पता है क्योंकि वो पोइट्री में लिखा गया है। रामचरितमानस इतने तेज़ी से पॉपुलर होने की और समाज के अंदर वापस से रामायण के राम भगवान राम के समय के या सतयुग के और द्वापर युग के त्रेता के जो जो बेसिक उनके समय के जो जो बेसिक मूलभूत नियम थे जीवन जीने के और कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के का जीवन आप सबको उतारने की आवश्यकता है, इसको समझाने के लिए पहले टेक्स्ट को पहुंचाना था लोगों तक। तो उन्होंने एक पोइटिक फॉर्म में लिखा ताकि आप उसको गा पाओ। रामचरितमानस में सबकी सबसे अच्छी खासियत यह है कि उसमें दोहे सोरठे चौपाई छंद इतने सुंदर लिखे हैं हुए हैं, वो अपने आप में एक जो है ना पोइट्री की लर्निंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। तो ऐसे में पूरे उन्होंने उत्तर भारत यहाँ तक कि फिर बाद में चलते हुए पूरे देश भर में जहाँ जहाँ तक भी रामचरितमानस पहुँची, यहाँ तक कि हनुमान चालीसा तो कोने कोने में पहुँच गई है, वो भी गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी थी। तो वो इवेंट ऐसा बोला जाता है कि शिव जी का जब उन्होंने रेफरेंस दिया तो उन्होंने बोला कि अच्छा फिर आप एक काम करिए, जो किताब आपने लिखी है इस किताब को हम और बाकी किताब वेदों के साथ में हम उस किताब को शिव जी के मंदिर के अंदर रखेंगे और सुबह उठ के देखेंगे, यदि वो किताब सबसे ऊपर आ जाती है, जो किताब सबसे ऊपर होगी आएगी उसी को मान के आता है, अगर नहीं होगी तो आपको फिर इसको प्रति को आपको यहीं पे समाप्त कर देना होगा। जिस पे गोस्वामी तुलसीदास तैयार हो गए, वो किताबें लॉक की गई और लॉक करने के बाद जब वो सुबह हुई और ताला खोला गया तो रामचरितमानस सबसे ऊपर उसमें पाई गई। ये एक संदर्भ है, गलत भी हो सकता सही भी हो सकता, बट दिस इज एक संदर्भ है। तो अपभ्रंश डेफिनेटली होगा क्योंकि आप पोइट्री में लिख रहे हो उसको, तो पोइट्री में जब सजाने के लिए आप जब लिखते हो तो आप शब्दों का फेर करते हो, इधर से उधर शब्द उठाते हो, उनको राइम करते हो, किस बात को कितनी लाइन में बोलना ये आप डिफाइन नहीं कर सकते, बहुत ही टफ प्रोसेस है। बिकॉज यू आर वन, यू आर ब्रिंगिंग आउट अ स्टोरी इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, दैट टू इन अ पोइटिक फॉर्म वेयर ईच एंड एवरी स्टेंजा विल हैव टू मैच द नंबर ऑफ मात्रा, जो उसकी मात्राएं होती हैं उसके अंदर, दोहे की अलग मात्राएं होती हैं, छंद की अलग मात्रा होती है, उसका रिदम अलग होता है, उसमें उस मीटर में उसको लिखना इतना ज़्यादा क्लिष्ट, इतना टफ काम है। तो मैं गोस्वामी तुलसीदास को, मैं अपने पर्सनल लेवल पे ये बात बोलता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास को इस सदी का सबसे बड़ा कवि इसलिए भी बोला जाता है या लेखक इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक तो उन्होंने वो कहानी को लिखा इस भाषा में और उसको इस फॉर्म में लिखा कि हर आदमी, पढ़ने वाला आदमी उसको गाने लगता है और एक रिदम में झूमने लगता है, उसको गाया जा सकता है, जिसको पढ़ने के बाद आपके अंदर एक रिदम आता है, उसको पढ़ने के बाद आपको होता क्या, जब कोई राइमिंग किसी भी लाइन के अंदर राइमिंग होती है तो आप पहली लाइन जो पढ़ते हो ना दूसरी लाइन को आपको पढ़ना आसान हो जाता है क्योंकि आपको पता होता है कि उसके अंत में ये शब्द के जैसा राइम करता हुआ कोई शब्द आएगा, तो आपके पढ़ने की स्पीड ही बढ़ जाती है। प्लस आप एक रिदम में पढ़ रहे होते तो आप अपने आप मात्राएं जो है ना रिदम में पढ़ते, तो उनको याद करना, उन्हीं विंड्स को याद करना। इतने सारे दोहे हैं जो रामचरितमानस के जो जो पढ़े जाते हैं, बोले जाते हैं, विनय न मानक जलति जड़, गए तीन दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत, दिस सो आई मीन दिस काइंड ऑफ लाइंस बिकेम पॉपुलर। व्हाई रामचरितमानस इज मोर रेलेवेंट देन रामायण टुडे इज बिकॉज इट्स पोइटिक, इट्स रीडेबल, इट्स अंडरस्टैंडेबल टू अ लार्ज पॉपुलेशन। बट हैविंग सेड दैट, अगर आपको उसके बाद को ग्रेजुएट करना है तो रामचरितमानस के बाद तो रामायण जरूर पढ़ें, आपको संस्कृत समझ में आती है तो रामायण जरूर पढ़ें, तो आपको शायद उससे एक और बेहतर आइडिया लगेगा। बात यह थी कि राम एज ए कैरेक्टर समाज के अंदर पॉपुलर होना चाहिए
और मुझे लगता है उस केस में रामचरितमानस ने एक बहुत मेजर मेजर रोल निभाया है। आज हमारे बीच में जो राम हैं, राम का चरित्र जो हमारे बीच में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनको बोला जाता है, कि हर स्थिति में परिस्थिति में उन्होंने मर्यादा को बना के रखा, तो उस संबंध में देखा जाए तो रामचरितमानस एक सबसे बड़ा सामाजिक चेंज लाने वाली किताब है, पुस्तक है। आप उसको चाहें तो आप उसको धार्मिक ग्रंथ मान सकते हैं, आप उसको पोइटिक ग्रंथ मान के भी, अगर आपको पोइट में, तो कहता हूँ बहुत सारे लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप भूल जाओ कि एक धार्मिक ग्रंथ है, ये धार्मिक ग्रंथ नहीं भी हो सकता है। क्यों होगा भाई धार्मिक ग्रंथ? किसी आदमी ने आज से 400 साल पहले लिखा, तो आप नहीं मानो, पर फिर भी आप मानते हो, वो आपकी मान्यता के ऊपर डिपेंड करता है, वो ऑथर सरोगेट नहीं है। रामचरितमानस उस समय नहीं लिखी गई जिस वक्त रामायण हुई, वो रामायण है, रामायण एक ऑथेंटिक ऑथर सरोगेट है, रामचरितमानस नहीं है। पर रामचरितमानस ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि वो ज्यादा पैलेटेबल है। इट्स अ सिंपल आंसर। मेरा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है आर्यसमाज जी, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे, कोई गलत नहीं बोल रहे उसमें। आई एम सेइंग इसको गलत बोलने की क्या आवश्यकता है, इसको समझने की आवश्यकता है। तो अगर आप थोड़ा कट्टर तरीके से सोचो तो हाँ अरे बड़ी बुरी बात लगनी चाहिए, पर वो बात करेक्ट बोल रहे हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं बोल रहे। मेरे लिए राम का कैरेक्टर समाज में, मेरे हमारे बीच में डिबेट हो रहा है, इवन उसके बारे में बात हो रही है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको निभाने की कोई कोशिश कर रहा है, उसके उनके जीवन जैसा कुछ जीने की कोशिश कर रहा है, ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि भाई हम इस पर अटक जाएं कि नहीं यार ये बात उन्होंने बोली थी तो इसको मानना चाहिए बात उन्होंने। आप देखो कि दोनों का पैरेलल खड़ा करोगे तो आपको लगभग मायने एक ही मिलेंगे, कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। इफ यू रिमेंबर वन डे वी वर डूइंग इट, लाइक वी हिंदी का एक ट्रांसलेशन हम पढ़ रहे थे, फिर ये पढ़ रहे थे, तो इट्स प्रिटी वन एंड सेम थिंग।